तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। फिल्मी हस्तियों का राजनीतिक मैदान में उतरना कोई नई बात नहीं है, दशकों से ऐसा होता आ रहा है। बॉलीवुड में कई स्टार्स राजनीति में उतर चुके हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इससे अछूता कोई नहीं है। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव, निरहुआ कहीं तक ऐसे नाम है जो राजनीति में अभी सक्रिय है। इनके अलावा एक नाम और है और वो है काजल निषाद। काजल निषाद लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की टिकट पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की सीट से ताल ठोकने जा रही हैं। इससे पहले काजल अभिनय की दुनिया में दमखम दिखा चुकी हैं और लापतागंज में भी उन्होंने चमेली का किरदार निभाया था और अब वो राजनीतिक दुनिया में ताल ठोक रही हैं। आपको बता दें, काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से टिकट दिया है, जिसके बाद से वो लगातार जनता के बीच में रहती हैं, उनसे बात करती हुई नजर आती हैं। हाल ही में वो उत्तर प्रदेश के गांव गोपालपुर में नजर आई, जहां पे उन्होंने जमकर मोदी और आदित्यनाथ पर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि बीजेपी का कोई नेता यहां पे लोगों से बात करने और उनकी परेशानियां सुनने नहीं आता। काजल निषाद ने कहा कि महापौर चुनाव जीते काफी समय हो गया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्षद भी बीजेपी के, महापौर भी बीजेपी के, विधायक सांसद भी बीजेपी के, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं। ऐसे में जनता को विपक्ष में एक ऐसा नेता चाहिए जो कि जनता की आवाज उठाए। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि महिलाओं के खाते में 15 लाख आने थे जो कि नहीं आए, किसी को सरकारी नौकरी भी नहीं मिली, गैस का दाम भी कम नहीं हुआ। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए जनता एक ताकतवर विपक्ष चाहती है, जिसके लिए मैं जनता की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आप निषाद बहुल क्षेत्र में ही क्यों आई हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि निषाद बहुल क्षेत्र नहीं, मैं पीडीए की आवाज उठाने का काम करती हूँ। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए जनता एक ताकतवर विपक्ष चाहती है, जिसके लिए मैं जनता की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आप सिर्फ निषाद बहुल क्षेत्र में ही क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ निषाद बहुल क्षेत्र नहीं, मैं पीडीए की आवाज उठाने का काम करती हूँ। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग, सभी के हित के लिए काजल निषाद ने अपनी आवाज उठाने का दावा किया और साथ ही सत्ता पक्ष को भी जमकर घेरा। अब देखना यह होगा कि काजल निषाद अपने दमदार आवाज से गोरखपुर की सियासत में अपना नाम दर्ज करवा पाती हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।